खबर मालाखेड़ा से। अलवर ग्रामीण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आई। इससे पहले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में टोल नाके के समीप जिला अध्यक्ष संजय नरूका, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक जयराम जाटव, मामन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 225 किलो फूलों की बनी माला से उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रमोद विजय, ऋषि राज शर्मा, जरशेद खान, मुकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, वहीं पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं के बीच अपने विचार रखते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम पर हैं। आमजन भयभीत हैं, वहीं किसानों को बिजली नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा धरातल से बहुत दूर है। गहलोत सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। गहलोत सरकार बजट के नाम पर जनता को सिर्फ सब्ज बाग दिखा रही है, जिसका नतीजा चुनावों में उनको भुगतना अवश्य पड़ेगा। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री अलवर के लिए रवाना हो गई, जिनका नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर, पूर्व सभापति अशोक खन्ना और अन्य कार्यकर्ताओं ने कटी घाटी पर स्वागत सत्कार किया। उसके बाद वो आगे वहां से रवाना हुई। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।